Good morning, friends. My name is Dr. Shobhit Gupta, and I am a consultant plastic surgeon in New Delhi, Karolba. So today, in like this video, I would be explaining you a very interesting case and a very common problem which people face. जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो लोग जो सुसाइडल कट्स अपने मतलब कर लेते हैं, और सुसाइडल कट्स करने के बाद क्या लगता है कि उनको सोशल एम्बैरेसमेंट होती है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनके ये जो निशान हैं वो कैसे ठीक होंगे, और उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा आगे जाके शादी में या और किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं. तो वो चीज़ के लिए जो हमारा प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा आपको जो है सेटिस्फैक्शन देता है. लेकिन सबसे पहले हम लोग जो बताना चाहते हैं कि कोई भी प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसीजर होता है उसमें अगर कोई भी निशान है तो हम निशान को खत्म नहीं कर सकते हैं. प्लास्टिक सर्जरी की फर्स्ट लाइन होती है कि द स्कार कैन नॉट बी रिमूव्ड. रिमूव्ड का मतलब है कि खत्म नहीं हो सकता, स्कार कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड. जैसे कोई भी स्कार है तो आपका वो स्कार इम्प्रूव हो जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा. अब आपके सामने एक और है मतलब फोटोग्राफ जिसकी हम लोग प्रॉपर सर्जरी दिखाएंगे कि सर्जरी में कैसे होती है, कैसे सर्जरी करते हैं, और इमिडिएटली कैसा दिखता है, और एक महीने में कैसा दिखता है, और फाइनली 3 से लेकर 4 महीने में कैसा दिखता है. आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वाली वीडियो में. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी मतलब एक मतलब मेरी पेशेंट थी जिसने जो है मल्टीपल हेजिटेशन कट्स किए हुए थे अपने रिस्ट पे, और इनके जो है 4-5 महीने बाद शादी थी, उस वजह से इनको अपने हेजिटेशन कट्स हटाने थे. तो पेशेंट हमारे पास आई और उन्होंने हमसे कंसल्टेशन करी, हमने कंसल्टेशन उनको समझा दिया था कि स्कार कम्प्लीटली हटेगा नहीं, स्कार सिर्फ इम्प्रूव होगा. तो जब एक बार स्कार इम्प्रूव हो जाएगा बस हम इतना इम्प्रूवमेंट कर देंगे कि कोई भी अगर आगे जाके आपके फैमिली मेम्बर और मतलब कोई भी अगर सोशल सोसाइटी में आपको अगर मतलब एनालाइज करता है तो कोई बता नहीं सकता कि आपने खुद से सुसाइडल कट्स किए हुए थे. तो जो सुसाइडल कट्स होते हैं वो सिर्फ सोशल एम्बैरेसमेंट होती है आपको, और वो बहुत ज़्यादा आगे जाके आपको शादी वादी में दिक्कत करता है. तो जब ये प्रोसीजर हो जाता है स्किन ग्राफ्टिंग का तो इसमें आपके स्कार्स तो हल्का फुल्का रहते हैं लेकिन वो कोई सुसाइडल वाले नहीं लगते हैं, वो बेसिकली हेजिटेशन कट्स नहीं लगते हैं. वो सिर्फ ऐसा लगता है कि कोई आपको कोई चोट लगी है और आप अगर वहाँ पे स्किन आपकी मतलब जल गई है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो सुसाइडल कट्स हैं. तो मतलब मेन चीज़ इसमें वो ही है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अलग अलग एंगल से विद लाइट विदाउट लाइट आपको हमने पूरा अच्छे से दिखाया है कि इसकी मतलब जो पेशेंट हम कर रहे हैं कि उसका स्कार कैसे दिख रहे थे सर्जरी से पहले. अब आपके सामने एक वीडियो चल रही है जिसमें है कि हम लोग सर्जरी कैसे करते हैं. अब जो आपकी फोटो है वो हमारी थाई का है, मतलब जो वीडियो है उसमें एक हमारा स्किन ग्राफ्टिंग वाला ब्लेड होता है, उसे हम लोग स्किन लेते हैं. ये वाला प्रोसीजर कम्प्लीटली पेनलेस होता है क्योंकि हम बेहोशी में भी कर सकते हैं और हम पूरा सुन भी कर देते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दिखने में अजीब लगता है लेकिन बहुत ही स्मॉल प्रोसीजर है. इसमें हम लोग स्किन ग्राफ्ट लेते हैं, और जो कि हम जहाँ से स्किन ग्राफ्ट लेते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिकली अपनी स्किन आ जाती है. तो ऐसे में सोचे कि वहाँ पे हमको एक और स्किन लगानी पड़ेगी, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपनी स्किन आ जाती है. अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इनकी इसके ऊपर स्किन लगा दी है. अब स्किन को चिपकाने के लिए बहुत तरीके हैं, स्टिचेस भी होते हैं, कुछ मतलब गम्स भी आते हैं, तो हम डिफरेंट तरीके आपके लिए अप्लाई करते हैं जिससे आपका मिनिमम स्कार है. अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि शुरू में ये थोड़ा सा रेड दिखता है, थोड़ा सा पतली स्किन लगती है, क्योंकि वो आपकी जो हम स्किन लेते हैं वो फुल थिकनेस नहीं ले सकते, हम एक स्प्लिट थिकनेस लेते हैं, मतलब एक थिन स्किन का जो है पार्ट लेते हैं, तो वो हम इसके ऊपर चिपकाते हैं आपका वो स्कार को कम्प्लीटली कट मतलब जो है कट करके रॉ करके. अब जब हम इसको चिपकाते हैं तो अब जो आपके सामने अभी फोटो है वो करीब 1 महीने की फोटो है, तो आपको जैसे दिख रहा है 1 महीने में आपके थोड़े जो है बॉर्डर्स थोड़े उठे हुए दिखते हैं, थोड़े से जो है ब्लैकिश दिखते हैं, और थोड़ा सा बीच में हल्का सा स्कार्स भी दिखता है. पर धीरे धीरे जब हम आपको मसाजेस बताते हैं, जब हम आपको कंप्रेशन वाली चीज़ें बताते हैं, कुछ भी प्रिकॉशन बताते हैं जिससे आपका रिजल्ट जो है वो और अच्छा हो जाता है, और ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 4 months आपके सामने ऐसा रिजल्ट होता है जो बिल्कुल ही परफेक्ट होता है, और धीरे और 6 महीने में और मतलब 1 साल में रिजल्ट और अच्छा होता रहता है, जिससे अल्टीमेटली आपका बिल्कुल भी स्कार नहीं दिखाई देता या बहुत हल्का से छोटा सा वो दिखाई देता है कि कोई एक पैच जैसा है. तो अगर आपके हेजिटेशन कट्स हैं, अगर आप ऐसे स्कार से परेशान हैं और आप इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो स्किन ग्राफ्टिंग आपके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और आप आराम से इस चीज़ को आप करा सकते हैं, जिससे आपका जो आगे सोशल लाइफ है या आगे जाके आपकी ब्राइटर लाइफ है उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आपको जो भी सोशल एम्बैरेसमेंट है वो कभी भी नहीं होगी. आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मेरा नाम डॉक्टर शोभित गुप्ता है, मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ. हमारा एक फुल फ्लेज्ड सेंटर है करोलबाग डेयरी में जो इस चीज़ के लिए सुपर स्पेशलाइज है, और हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का प्रॉपर लाइसेंस है. थैंक यू वेरी मच.